कुछ निकम और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचर्स ऑफ स्टॉक्स। गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो भी मैंने कल आपको स्टॉक्स दिए थे उनके परफॉर्मेंस के साथ में। मैंने गाइस आपको पहला स्टॉक दिया था UBL का। मैंने कहा था कि 1212 के नीचे अबव इसको आपको बाई करना है और इसका स्टॉप लॉस जो है 1196 का इसका स्टॉप लॉस है। तो चलिए गाइस देखेंगे कि यहाँ इसका एक्टिवेशन कौन से साइड में हो गया था। डेफिनेटली इसमें देखिए जो 1196 के नीचे इसका सेल साइड एक्टिवेट होने वाला था वो हुआ नहीं था, बाई साइड इसका एक्टिवेट हो गया था। इसमें मैंने आपको तीन टारगेट्स दिए थे 1220, 1225, 1231 का। ये मैंने आपको तीन टारगेट्स दिए हुए थे। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता था ये तो इसके ऊपर भी जा सकता था, लेकिन इसने इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। देखिए 1231 एग्जैक्ट इसने हाई लगाया था और इस लेवल से इसका डाउनफॉल शुरू हो गया था, लेकिन इसमें कोई बात नहीं थी क्योंकि हमें हमारे जो तीनों टारगेट्स थे तीनों के तीनों टारगेट्स इसमें अचीव हो गए थे। फिर जो गाइज मैंने आपको अगला कॉल दिया था वो था SBI लाइफ का। मैंने आपको कहा था कि आपको 931 के अबव इसको बाई करना है, 935, 939 और 946 के इसके टारगेट्स मैंने आपको दिए थे। तो गाइज देखिए इसने 931 के अबव ये एक्टिवेट हो गया था, 935 का इसने फर्स्ट टारगेट दिया था और 939 का जो अपना जो सेकंड टारगेट था ये सेकंड टारगेट इसने दिया था। थर्ड टारगेट के लिए ये जा नहीं पाया, इसके लिए फिर ये थर्ड टारगेट हम लोगों ने लिया नहीं। बट ऑब्वियसली जब भी ये टारगेट टू टारगेट जाता है तो हम लोग हमेशा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे रहते हैं, तो इसमें लॉस की कोई बात नहीं बनती है। फिर गाइस जो मैंने आपको थर्ड कॉल दिया था ग्रासिम का दिया था, ग्रासिम का बाय साइड एक्टिवेट होने वाला था 1351 के अबव। 1356 का इसका फर्स्ट टारगेट था, 1365 का सेकंड, 1374 का थर्ड टारगेट का। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें आपको अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट मिल सकती थी। तो अब चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ था। देखिए इसका एक्टिवेशन हो गया था 1351 के ऊपर, 1356 फर्स्ट टारगेट था, 1365 सेकंड टारगेट था, 1374 का थर्ड टारगेट था, इसके ऊपर इसने सस्टेन किया था। और देखिए इस ब्रेकआउट जोन के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था और इसने 1400 के ऊपर का भी हाई लगाया था। तो 1351 से लेके 1407 तक का यानी कि इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था इंट्राडे में, जो कि बहुत कम बार देखने को मिलता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहते रहता हूँ कि गाइस स्टॉक सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो। इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन का इंपॉर्टेंस जो है काफ़ी अच्छा होना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जब तक उसमें वॉल्यूम नहीं है तब तक आपके ट्रेंड में वो चलता नहीं है। जब उसमें वॉल्यूम आ जाता है तो डेफिनेटली आपके ट्रेंड में चलता है और आपको प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। गाइज मेरे जो बैंक निफ्टी के और निफ्टी के जो कल लेवल्स दिए थे अनफॉर्चुनेटली मेरे चार्ट्स पे से वो डिलीट हो गए थे पता नहीं कैसे, तो आज मैं उनको रिव्यू नहीं कर पाऊंगा। पर अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि वो लाइन टू लाइन ही चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 33,000 एक साइकोलॉजिकल वैल्यू है, इसके नीचे सस्टेन करता है तो इसमें डाउनफॉल आ सकता है। जैसे ही इसके नीचे इसने सस्टेन करना शुरू किया तो फिर ये डेफिनेटली आपको पुट साइड में जो है इसने प्रॉफिट कमा के दिया रहेगा। अब चलिए देखते हैं कि मैंने जो टेलीग्राम की जो पब्लिक ग्रुप है उसमें आपको जो कॉल्स दिए थे वो कैसे थे। मैंने आपको AU बैंक लगाया था सेल करने को 1032 के नीचे, 995.20 का इसने लो लगाया था यानी कि 37 पॉइंट्स, जो कि काफ़ी अच्छा मूव था इंट्राडे के लिए। दूसरा मैंने आपको LTI का कॉल दिया था बाय के लिए, 3890 के अबव दिया था, 3929 तक गया था यानी कि इसमें हमें 39 पॉइंट्स मिले थे, अगेन वो भी एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। फिर मैंने UTI AMC आपको दिया था 645 को, वो गया था 649 तक, इसमें आपको 4 पॉइंट्स मिले थे। गाइस अगेन मैंने और एक आपको 33200 का PE बाय करने को लगाया था अबव 690 जो कि 900 तक गया, जिसमें 210 पॉइंट्स मिले थे। पर इसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि ये आज जो मार्केट जो था वो थोड़ा सा साइडवेज था और बड़े बड़े वीक्स के साथ इसके कैंडल्स बन रहे थे। चाहे कोई भी टाइम फ्रेम देख लो इसमें ये आ तो रहा था डाउन साइड में, पर डाउन साइड में आते आते ये दोनों साइड के जो है वो स्टॉप लॉस लेते लेते आ रहा था। जब आपको लग रहा था कि नहीं कॉल साइड में एंट्री है आप लेते थे, भले आपका 100 पॉइंट भी नीचे हो तो भी SL लेता था, ऊपर हो तो भी लेता था। अभी आज जो 33,200 का जो पुट है इसमें आज मुझे भी लॉस हुआ है और लॉस की वजह जो है वो सिर्फ 20.20 है, मतलब 20 पैसे हैं। मेरा 620 पे इसका SL था और इसने लो लगाया था 619.80 का, मतलब 0.20 की वजह से मेरा आज SL हिट हुआ और मेरा जो बड़ा टारगेट था वो मिस हो गया, इसमें लॉस हो गया। जैसे कि मैं जानता हूँ कि लॉस और प्रॉफिट ये मार्केट के जो है इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, तो फिर इसमें
लगातार कमा रहा हूँ तो एक दो दिन जाना जो है वो ज़रूरी है। जाहिर सी बात है ये मार्केट का एक पार्ट है, तो अगर मैं ले रहा हूँ तो मार्केट को कुछ देना भी पड़ेगा। जो आज मेरा गया है वो दिया है मैंने, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक में 1 2 3 डेज में उसको कवर भी कर लूँ, नो इशू। आज का एनालिसिस जो था वो मेरा परफेक्ट था। मैंने यूट्यूब सब्सक्राइबर ग्रुप में भी पोस्ट किया था, फिर मेरा प्रॉफिट शेयरिंग ग्रुप में भी पोस्ट किया था, और टेलीग्राम के जो पब्लिक चैनल है उस पर भी पोस्ट किया था कि 690 के अबव एक बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, जो कि हुआ। पर उसने जब ये ब्लास्ट हुआ, जैसे कि इसमें फ्राइडे फैक्टर आज एक्टिवेटेड था, इसकी वजह से ये ब्लास्ट तो हुआ लेकिन सब लोगों के स्टॉप लॉस लेते लेते हुआ। हो सकता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हो जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं जो लोग, उनका प्रॉफिट यहाँ हुआ होगा, लेकिन जो लोग स्टॉप लॉस के साथ में ही ट्रेडिंग करते हैं, आज उनका दिन नहीं था, आज मेरा भी दिन नहीं था गाइस। नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, अगला दिन जब आएगा तो डेफिनेटली हम लोग उस पर ट्रेड करेंगे, जो भी आज लॉस हुआ है उसको कवर कर लेंगे, नो इश्यूज विद दैट। हो सकता है आज पब्लिक ग्रुप में या फिर यूट्यूब सब्सक्राइबर ग्रुप में या फिर जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है उसमें भी मैंने 32 33 200 का पीई दिया था, कुछ लोगों ने उसको स्टॉप लॉस ना लगाया हो, आज उन्होंने प्रॉफिट किया भी हो इस पे, फिर भी मैं स्टॉप लॉस ना लगाना आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको फिर भी यही रिकमेंड करूँगा, आज मेरा खुद का स्टॉप लॉस जो है अराउंड 90,000 का लॉस है था उस पर्टिकुलर ऑर्डर पे, तो वो 90,000 का 20 पैसे की वजह से स्टॉप लॉस जो है वो मेरा हिट हो गया था। फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि अगर वो उसके नीचे भी गया रहता था तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया रहता था, जो रिकवर करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता था। इसीलिए मैं हमेशा स्टॉप लॉस पे ही ट्रेडिंग करता हूँ, इसी पे भरोसा रखता हूँ। गाइस चलिए हम लोग अभी देखेंगे जो मैं कल के दिन के लिए आपको जो स्टॉक्स दूंगा वो क्या होंगे। उससे पहले जो भी नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल जो है हमारा इसको सब्सक्राइब कीजिए। कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक पेस्ट किया हुआ है, आप वहाँ जाके मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको लाइव मार्केट आस में जो भी लेवल्स चेंजेस होते रहते हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी में हो, निफ्टी में हो, या फिर किसी स्टॉक रिलेटेड हो, तो उसके अपडेट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ में मैं कुछ वहाँ पे कॉल्स भी पोस्ट करते रहता हूँ जो बेस्ट टू बेस्ट मेरे एनालिसिस पर रहते हैं। अगर आप आज के मेरे इंट्राडे के कॉल्स देखेंगे तो डेफिनेटली तीनों के तीनों 100% टारगेट पे गए हैं, काफ़ी अच्छे मूव के साथ गए हैं, जैसे मेरे यूट्यूब के भी जो कॉल्स हैं वो जाते हैं। डेफिनेटली जो यूट्यूब के होते हैं वो टेलीग्राम का जो चैनल है उसमें नहीं होते, वहाँ का जो स्टॉक सिलेक्शन है वो मैं अलग से करके रखता हूँ, जो यहाँ पे मैं आपको एक दिन एडवांस में दे के रखता हूँ वो मेरा स्टॉक सिलेक्शन जो है वो अलग रहता है। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो लोग टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए गाइस अभी हम लोग देखेंगे कि जो कल के दिन के लिए मैं स्टॉक्स आपको दूंगा वो कौन से रहेंगे। तो गाइस मैं पहले कोलपाल का स्टॉक दूंगा। अब इस स्टॉक्सी कि सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि ये अपने एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पे है। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर है तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो कोलपाल पे, क्योंकि ये अपने सपोर्ट पे है। अब तक इसने 3 से 4 बार डे टाइम फ्रेम पे स्विंग लिया हुआ है इसी लेवल से, तो डेफिनेटली इसमें आज भी जो फॉर्मेशन हुआ है कैंडलस्टिक पैटर्न का, अगर ये कल गैप अप ओपन होता है या फिर कल अगर ये 1487 के ऊपर चला जाता है तो डेफिनेटली आप इसे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट आने वाला है। तो गाइज कोलपैल में मेरा बाई साइड इंट्राडे के लिए एक्टिवेट हो जाएगा 1487 के अबव, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1474 का, इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 1593 का, सॉरी 1493 का गाइज मेरा इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा, फिर 1496 का मेरा इसका सेकंड टारगेट रहेगा, और जो मेरा थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा 1500 रुपीज़ का। अगर इसके ऊपर ये चला जाता है तो डेफिनेटली आपको इसमें और अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इसमें डे टाइम फ्रेम पे अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इसको क्लोजिंग बेसिस पे ले लीजिए, और प्रीवियस डे का यानी कि आज के डे का जो लो है इसको आप लोग स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स बफर में लगा के, और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ये काफ़ी अच्छा स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है। इन केस अगर इसका बाई साइड एक्टिवेट नहीं हो गया तो इसका सेल साइड 1474 के नीचे एक्टिवेट हो जाएगा, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1487 का, 1470 इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा, 1464 सेकेंड टारगेट रहेगा, 1457 इसका थर्ड टारगेट रहेगा।
डाउन साइड में जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये पहले से ही अपने सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है, तो डाउन साइड में इसके आने के चांसेस बहुत कम है। इन केस अगर ये आ भी जाता है तो भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे रहिए, क्योंकि ये अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, तो ये कभी भी रिवर्स हो सकता है और आपका स्टॉप लॉस ले सकता है। तो जैसे ही आप लोग प्रॉफिट में आना शुरू हो जाए, आप लोग उसे एट कॉस्ट ट्रेल करके रख लीजिए, या फिर आपका जो भी रिस्क है एंड रिवॉर्ड है उस हिसाब से इसको आप ट्रेल करके रख लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो। अगर बाय साइड में जाता है तो डेफिनेटली अच्छा मूव आने के चांसेस है इसमें। सेकंड जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा माइंडट्री का। इसका बाय साइड एक्टिवेट हो जाएगा 2122 के अबव, 23 के अबव। स्टॉप लॉस रहेगा 2108 का। इसका टारगेट रहेगा 2131 का। सेकेंड टारगेट रहेगा 2135 का। जो मेरा थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा 2141 का। अगर इन केस इसका बाई साइड एक्टिवेट नहीं हो जाता है तो सेल साइड में आपको एंट्री मिलेगी 2108 के नीचे। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 2123 का। इसके टारगेट्स रहेंगे डाउन साइड में 2099 का, 2094 का, 2089 का। अगर इसके नीचे ये सस्टेन करता है तो डेफिनेटली आपको डाउन साइड में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। अगेन सस्टेन का मतलब जो है, यानी कि कैंडल जो है उस लेवल पे कुछ देर तक रुकनी चाहिए, और जो मैं टाइम फ्रेम आपको रिकमेंड करूंगा इंट्राडे के लिए वो रहेगा 5 मिनट्स की कैंडल। जो थर्ड कॉल मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो रहेगा टाटा स्टील का। इसका बाई साइड एक्टिवेट हो जाएगा 1040 के अबव। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 1023 का। टारगेट रहेगा 1044, 1048, 1053। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन से स्टील सेक्टर जो है बूमिंग में है, उस हिसाब से टाटा स्टील में भी मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटीज कल दिख रही है। हालांकि इसका स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, पर फिर भी आप अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से इसको ट्रेड कर सकते हो। इसमें अपसाइड मूवमेंट आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो आ गए तो वो 1053 के अबव जाके भी ट्रेड करना शुरू कर सकता है। इनकेस अगर इसमें बाई की एंट्री नहीं आती है तो सेल साइड में आपको 1023 के नीचे सेल साइड एक्टिवेट हो जाएगा। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1040 का। इसका टारगेट रहेगा डाउन साइड में वो रहेगा 1017, 1009 और 998 तक भी ये नीचे डाउन साइड में आ सकता है। तो गाइज ये थे मेरे कल के दिन के लिए आपके लिए इंट्राडे के स्टॉक्स। अब हम लोग देखेंगे कि जो मेरे कल के बैंक निफ्टी के और निफ्टी के जो लेवल्स होने वाले हैं वो क्या रहेंगे। तो गाइज कल के जो लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 14,660 के नीचे। अगर बैंक निफ्टी आता है, सस्टेन करता है, तो आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 14,636, 14,605, 14,577, 14,536। ये मेरे टारगेट्स रहेंगे। 14,770 के अबव इसका बाई साइड एक्टिवेट हो जाएगा। 14,800 जो कि अपसाइड में रहेगी, इसके लिए एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये मेरी फर्स्ट टारगेट लाइन रहेगी अगर मैं बाई साइड में रहता हूँ। अगर इन केस इसने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर 14,840, 14,863 और 14,889 इसके अपकमिंग टारगेट्स रहेंगे। आज के डे का हाई जो कि मंडे को जाके प्रीवियस डे हाई बनने वाला है, वो ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली इसमें और ज़्यादा मूव आ जाएगा। और डाउन साइड के मैंने आपको टारगेट्स पहले से बता के रखे हैं। अगर इन केस ये नीचे आता है तो ऑब्वियसली मंडे को जाके आज के दिन का जो लो है वो उसका प्रीवियस डे लो हो जाएगा। और एक बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा कहता है कि किसी भी स्टॉक का, किसी भी स्क्रिप्ट का प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जब भी आप लोग सुबह के दिन टाइम पे अपने चार्ट्स ओपन करते हो तो प्रीवियस डे का हाई और लो जो है उसको मार्क करने की एक बार आदत डाल दीजिए, ताकि लाइव मार्केट आवर्स में आपको जो जो चीज़ें चल रही है वो इजीली समझ में आ सके। क्योंकि प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई ब्रेक होने के बाद में उस डायरेक्शन में वो अच्छे खासे मूवमेंट दे देता है हमेशा। चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी के लेवल्स होने वाले वो क्या होने वाले। तो गाइस बैंक निफ्टी के जो लेवल्स होने वाले हैं वो 33,100 जो है इसके अबव बाई साइड अपना एक्टिवेट हो जाएगा 33,202 के टारगेट के साथ में। इनकेस अगर ये ब्रेक कर देता है तो 33,301, 33,435, 33,522 का इसका जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। 33,522 के अबव ये आज के डे का जो हाई है उसे फेस करेगा। अराउंड 33,590 का एक लेवल रहेगा, उसे ये फेस करेगा एज अ रेजिस्टेंस। अगर वो ब्रेक करता है तो अपसाइड में काफ़ी अच्छी मूव दे देगा।
अगर इनकेस ये ऊपर के साइड में नहीं जाता है, 33,000 के नीचे सस्टेन कर जाता है, तो 32,800 के नीचे इसका सेल साइड एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि पुट का एंट्री आ जाएगा आपको 32,800 और 33,000, इस 200 पॉइंट्स के बीच में मैं कहूँगा आपसे कि ये रहेगा नो ट्रेडिंग जोन। आइदर किसी भी साइड में ये ब्रेकआउट दे सकता है, तो जब तक ये 32,800 के नीचे सस्टेन नहीं करता है, तब तक आपको पुट साइड में एंट्री नहीं लेनी है। 32,696 का इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा, फिर 32,585, 32,468, 32,400 इसका एक स्क्वायर रूट वैल्यू है, जो कि एक अच्छे खासे सपोर्ट के लिए इसके लिए काम करेगा। अगर 32,400 इसने ब्रेक किया, तो 32,309-300 तक ये डेफिनेटली कल के दिन में मोमेंट डाउन साइड में दे सकती है। अगेन 32,800 और 33,000, ये 200 पॉइंट्स का जो गैप है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। जो लोग रिस्क टेकर्स हैं उनको रिकमेंड करूँगा कि उसके बीच में ट्रेड ना करें। जो बहुत ज़्यादा सेफ प्लेयर्स हैं उनको रिकमेंड करूँगा कि 32,800 से लेके 33,100, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है कोई भी साइड में, तब तक इसमें एंट्री ना लें बैंक निफ्टी में। क्योंकि अगेन मंडे को जो है, फ्राइडे और मंडे को बैंक निफ्टी साइडवेज होती है, प्रीमियम डीके होता है, इसकी वजह से चाहे आपका इंडेक्स मूव करे ना करे, आपका जो स्टॉप लॉस है ले लिया जाता है। आपको पता नहीं चलता, आपको ऐसा लगता है कि यार इंडेक्स तो उसी जगह पे है, इंडेक्स तो वहाँ से हिला नहीं, और फिर भी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो उसने कैसे ले लिया, तो उसके पीछे जो टाइम डीके है वो वजह होती है। तो उस पर ध्यान रखिए आप, जो मैंने आपको जो नो ट्रेड जोन आज दिया है उसको कल मार्क करके रखिए मंडे के दिन, ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। और इस डेफिनेटली ये जो नो ट्रेडिंग जोन मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो अगर ये आप ड्रॉ करके रखोगे अपने चार्ट्स पे, तो मंडे को आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो जाएगी, चाहे वो गैप अप ओपन हो चाहे वो गैप डाउन ओपन हो, आपको पता चलेगा कि इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, या फिर ये अगर गैप अप ओपन हुआ है तो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होने वाला है। और ये लाइन्स आपके साथ रहेंगे तो फिर आपको इसमें ट्रेडिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो गाइज ये थे मेरे कुछ लेवल्स बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ में मैंने आपको आज के दिन के लिए जो 3 स्टॉक्स दिखे रखे हुए, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे मंडे के लिए। अगर आप मुझे पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपने एक्यूरेसी डेफिनेटली देखा होगा कि मैं जो भी यूट्यूब पे आपको कॉल्स इंट्राडे के रिकमेंड करता हूँ कि उसका एक्यूरेसी क्या है। तो उसे बस फॉलो कीजिए, लेवल्स को फॉलो कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कीजिए, और हो सकता है मैं कल या परसों आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न का जो वीडियो है, जैसे कि जो मैंने एक एपिसोड का सीरीज स्टार्ट किया था पिछले टाइम, एकदम बेसिक वाला था, हो सकता है उसका मैं कल एक एडवांस वाला पार्ट जो है वो लॉन्च कर दूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सीखने में इंटरेस्ट रखते हो और नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कल जब भी मैं उसको पोस्ट करूँगा आपको उसके रिलेटेड जो अपडेट है वो मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइज।